स्वागत है आप सबका एक और नए पार्ट में। तो जैसे कि कल हमने देखा, हमने मेरीवेदर हाइस की पूरी प्रिपरेशन कर डाली थी, जिसमें सबसे पहले हमने कार्गो बोब और सबमरीन को चुराया था। सबसे पहले तो हमने वैसे सबमरीन चुराई थी, फिर कार्गो बोब चुराया था। तो अगर वो वाला कल वाला पार्ट नहीं देखा तो देख लेना जाके। तो अब हम आ चुके हैं अपने वेट के कज़न के घर, मतलब जिसका नाम फ्लॉइड है। वेट पूछता हुआ हाय हेलो करता हुआ ट्रेवर को, और फ्लॉइड भी हाय हेलो करता हुआ। फ्लॉइड पता नहीं फ्लॉइड से चिढ़ता है ट्रेवर और उससे काम करवाता है, अब मसाज करवा रहा है। और माइकल के हिसाब से पता नहीं यहाँ कुछ हो रहा है, और वो वेट ने माइकल को कॉफ़ी पूछी और माइकल ने रिजेक्ट करी। अब फ्रैंकलिन भी आ चुका है, फ्रैंकलिन को ट्रेवर कहता हुआ कि तुमने भी मसाज करानी है, तुम्हारे लेग को रिलैक्स मिलेगा। तो फ्रैंकलिन ने वहाँ पर मना कर दिया, कह रहा नहीं। और वैसे ही माइकल और फ्रैंकलिन उसे ड्राइवर से पूछ रहे हैं कि भाई हमारा स्कोर है क्या, हमें करना क्या है, तुम बताओ तो सही कुछ, हमारे को करना क्या है, अरे वो बताओ तो सही। वो ड्राइवर बोलता है तुम टेंशन मतलब बस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मैं सब बताऊंगा तुमको, क्यों टेंशन लेते हो। मैं एक ऐसी जगह से निकला हूँ, एक ऐसी जगह रहा हूँ पिछले 10 साल एक डेजर्ट में, जहाँ पे बस मैंने मुर्दा ही मुर्दा लोग देखे। और फ्रैंकलिन कह रहा है चलो फिर चलते हैं। और उस बीच में ड्राइवर ने फ्लॉइड को बुलाया कि तुम समझा सकते हो, और फ्लॉइड आया और फ्लॉइड को भगा दिया। अब वो समझाता हुआ कि बस हमें एक सी के अंदर जाना है, तुमने बस मैंने माइकल तुम्हें कहा था कि तुमने ट्रेनिंग ली है ना वो हेलीकॉप्टर उड़ाने की, ठीक है, क्योंकि मैंने तुमने बोला था कि हेलीकॉप्टर की ट्रेनिंग ले लेना। और माइकल ने कहा हाँ ली है मैंने, और वही मैंने तुम्हें दिखाई नहीं थी, वैसे कंपलसरी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने ट्रेनिंग करी थी फ्लाइंग ट्रेनिंग में, फ्लाइट स्कूल में ट्रेनिंग जाके करी थी। अब मैं एयर स्ट्रिप जा रहा हूँ, कि एयर स्ट्रिप पता कौन सी है, जहाँ पे हमने कल कार्गो बोब खड़ा किया था, मतलब जहाँ पे ड्राइवर ने सैंडी शोर्स में एयर स्ट्रिप नहीं खरीदी थी, वही है ये एयर स्ट्रिप्स। तो अब हम जा रहे हैं तो यही बात हो रही है। ट्रेवर बता रहे हैं मेरा वहाँ पे बिजनेस है जिसका नाम ट्रेवर फिलिप्स इंडस्ट्रीज है, और वो रोन के बारे में बता रहा है कि मेरे एक सीईओ भी है रोन। तो कह रहा है यहाँ पे अमेरिका के, और वहाँ पे ट्रेवर बोलता है नहीं मेरा बिजनेस लीगल है, कोई ऐसा वैसा नहीं कि लीगल नहीं हो, मेरा बिजनेस लीगल है। तो फिर वो कह रहा कि ना वो फिर यहीं पे बात होती हुई कि किस चीज़ की चुरा रहे हैं, हमने किस चीज़ को चुराना है बताओ तो सही। और ड्राइवर कुछ बोल ही नहीं रहा, बस कह रहा है बस हमें चुराना है, एक मस्त चीज़ को चुराना है, और हमारे को बहुत बढ़िया काम करना है, हमारा टारगेट बहुत बढ़िया है, चलो फिर चलते हैं सैंडी शोर्स। और अभी भी हम 2 मील्स के अराउंड दूर हैं सैंडी शोर्स से, तो बस हम पहुँच रहे हैं। तो वह जैसे कह रहा कि द्वार से कह रहा कि माइकल तुमने सीखा है ना एयरप्लेन उड़ाना, वो कह रहा हाँ अरे सॉरी हेलीकॉप्टर उड़ाना, वो कह रहा है हाँ क्यों नहीं सीखा। तो बस हम जाते हैं, और वो कह रहा है माइकल कह रहा है कि तुमने लेस्टर को क्यों नहीं बताया, लेस्टर यार तुम्हारे इजी कर देता तुम्हारे स्कोर को, क्योंकि लेस्टर हैकर वैकर है, सब कोडर वोडर है, बहुत अच्छी प्लानिंग करता है। तो कह रहा है मैंने किया था, लेकिन ना लेस्टर ना हॉस्पिटल में था तभी। तो माइकल कह रहा है अच्छा। और अब हम आ चुके हैं यहाँ पे, और फ्लॉइड और वेड भी हमारी सबमरीन को लेके आ चुके हैं डॉक्स की जगह से। माइकल ने पकड़ लिया है कार्गो बोब, और अब हमारे को उठानी है सबमरीन। तो ये भाई बहुत लिटरली बहुत मुश्किल था, इसको देखो कितनी मुश्किल से। तभी कह रहा हूँ कार्गो बोब को उड़ाना तो कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है गाइस, बहुत ज़्यादा मुश्किल है कार्गो बोब को उड़ाना। ये देखो मैं सबमरीन लेके जा चुका हूँ, अब मुझे लेके जानी है टेस्ट साइट पे, मतलब एक ओशन के अंदर टेस्ट साइट होती है ना, वहाँ लेके जानी है, मिलिट्री बेस के साथ ही है वो साइट। तो उसमें क्या है, बस मुझे सबमरीन नीचे फेंकनी है, और मुझे न्यूक्लियर वेपन लेके आना है, जैसे तुमने सब हमने थंबनेल में देख ही लिया होगा, बस न्यूक्लियर वेपन को उठा के आना है। और वो न्यूक्लियर वेपन वर्ल्ड वॉर 3 तक छेड़ सकता है, ये याद रखना गाइस, वर्ल्ड वॉर 3 तक छेड़ सकता है। बस हम पहुंचने वाले हैं, बहुत मुश्किल था, इतनी मुश्किल से कंट्रोल किया मैंने इसके कार्गो बोब को। और अभी मैं सबमरीन को चलाऊंगा अभी ना भाई, कि इतना मुश्किल हो जाएगा ना, इतना मुश्किल उठाने में भी इतना मुश्किल हो जाएगा। चलो कोई नहीं, बस हम पहुंच ही गए, आराम से इसको फेंकेंगे सबमरीन को, आराम से बिल्कुल प्यार से फेंकेंगे, बिल्कुल प्यार से, आराम से। और यहाँ पे हमने ट्रैकिफाई ऐप लॉन्च कर दिया है, और अब हम जा रहे हैं न्यूक्लियर वेपन को ढूंढने। मैंने तुम्हें कहा था ना शार्क मिलाऊंगा, शार्क को भी मिलवाऊंगा, टेंशन मत लो। तो यहाँ पे पता क्या है, रॉक्स वॉक्स थी तो मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा पा रहा था, तो साइड में मीटर देख सकते हो कि कितने ऊपर है हम, कितने फीट ऊपर हैं, कितने फीट नीचे हैं। तो बस देखते हैं आगे क्या होता है। अब जैसे कि सब देख रहे हो कि हमने ट्रैकिफाई लॉन्च ऐप कर दिया, और हम पूरी डेप्थ तक आ चुके हैं पानी की, पर हम वहाँ से, मैं पता है यहाँ तक क्यों नहीं जा रहा है, एक रॉक वॉक है, कभी हमारी सबमरीन ख़राब हो जाए और हमारे को दोबारा से मिशन करना पड़े। तो मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले मैं ना ऊपर जाता हूँ लेवल पे, और मैं आ चुका हूँ, अब जाता हूँ डेप्थ में। वैसे ये नीचे ही है, यहीं दिखा रहा है ट्रैकिफाई कि ये नीचे ही है, अब चलते हैं नीचे, पहले थोड़ा घूम के जाते हैं, क्योंकि हमारे को डेप्थ पकड़ने में तो टाइम लगेगी, ऐसे थोड़ी है यूँ फटाक की तरह पत्थर की तरह नीचे चलेगी, ऐसा थोड़ी है, आप आराम से नीचे जाते हैं पहले, हाँ धीरे ही धीरे। अब हमारे को न्यूक्लियर वेपन उठाना है, और जैसे कि मैंने तुमसे कल वादा किया था मैं शार्क दिखाऊंगा, वो भी दिखाऊंगा, रुक जाओ शार्क दिखाऊंगा, ये देखो शार्क न्यूक्लियर वेपन के पास, और मैंने उठा लिया है यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन, उठ जा, टाइम लगता है भाई साहब, रुक जाओ पहले रेडियो ऑफ करो, बहुत इंटरप्ट करता है यार रेडियो,
उठा लिया अब न्यूक्लियर वेपन, अब हमें ऊपर जाना है पानी के लेवल पे। और भाई एक लिटरली सच बात बताऊँ, ये जो कार्गो बॉक्स सबमरीन को उठाना था ना, इसमें मेरे 3 से 4 ट्राई लग गई तब जाके उठी है ये मेरे से, नहीं तो उठ ही नहीं रही थी। ये देखो इतनी मुश्किल से उठी है, 3 बार तो मेरा पानी में कार्गो बॉक्स ख़राब हो गया। ये कार्गो बॉक्स इसलिए तो होता है हैवी वेट पर ना, इससे उठाना बहुत मुश्किल है, और रियल में मतलब बहुत मुश्किल होता है, लेकिन गेम में तो और मुश्किल है मेरे ख्याल से। ये देखो ऐसे जाते जाते तो मेरा 3 बार तो पानी में गिर गया था कार्गो बॉक्स। चलो छोड़ो इस बात को, अब मैं जो बता रहा था कि अब ना इसने लेस्टर को इन्फॉर्म कर दिया माइकल ने चुपके से, जो माइकल तो ऊपर था ना, ये ना अंदर की बात है, ये तुम्हें दिखती नहीं है, मतलब ऐसा ही होता है, पता चलता है, मतलब गेम खेल लेते हैं ना तो पता चल जाता है। अब लेस्टर को इन्फॉर्म कर दिया उसने, और लेस्टर को इन्फॉर्म कर दिया तो अब लेस्टर उधर आएगा, और यहाँ पे हमारे पीछे मिलिट्री के वो पड़ चुके हैं, तो अब हमारे को ई दबाने से क्या होगा, स्वैप हो जाएंगी साइड्स की, इधर से आ रहा है लेफ्ट से आ रहा है तो इधर से मारेंगे, राइट से आ रहा है तो ई उधर चल जाएंगे, पीछे से आ रहा है तो एक वो खोल भी देगा ड्राइवर हमारा, पीछे वाला मुँह पर छत्ता टाइप होता है ना, छत टाइप होता है वो खोल देगा, छत टाइप नहीं मतलब एक अड्डा मतलब रैम टाइप होता है वैसे खोल देगा, उसके ऊपर बैठ के हमारे को मारना होगा। ये देखो ये जैसे यही कह रहा हूँ मैं तुम्हें, यही कह रहा हूँ। हाँ देखो इस सब मैंने तीनों की चॉपर की ऐसी तैसी मार दी मिसाइल वाले हैं, और ये देखो मैं स्क्रीन कैप्चर नहीं कर पाया था, आप कुछ नहीं बता रहा हूँ क्या हो रहा है। ये लेस्टर है ना, लेस्टर कहता हूँ तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो, है तुमने ये न्यूक्लियर वेपन उड़ा दिया, और माइकल को बोलता हूँ, माइकल कह रहा है मुझे कुछ नहीं पता, और वो कह रहा है लेस्टर वापस करके आ रहे हैं इसको हमने, और मना कर रहा है ड्राइवर। वैसे ही ना माइकल कह देता है नहीं 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 मैं तुम्हें अनदर स्कोर दूंगा, मतलब और अच्छी हाइस दूंगा, तो वो कह रहा मैं तो बस तुम्हारे लिए, तुम मेरे दोस्त हो इसलिए, जाओ फ्लोइड को वेड को भेज दिया है लेस्टर के साथ वापस रखने के लिए, और वो यहाँ पे नाराज होकर जा रहे हैं माइकल और फ्रैंकलिन, क्योंकि भाई गुस्सा तो आएगा ना कि बिना बताए इसने काम किया। अब ट्रैवलर को भी गुस्सा आ चुका और 3 बार अपना सर फोड़ चुका, और यहीं पे हाइस्ट पास होती हुई हमारी मैरी वेदर हाइस्ट। तो मिलते हैं कल उसी टाइम 7 बजे एक और नए मिशन के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बाय बाय, टेक केयर।